इससे पहले कि हम लोग आज की वीडियो शुरू करें, मैं बताना चाह रहा था कि पिछले वीक का ये साईफाई वीडियो पोर्टल जो है यूट्यूब पे सीधा सेंड नहीं किया, इसलिए बहुत कम व्यूज़ आए हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप इसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ये साईफाई कोर बनाना सिखाऊंगा, इसके एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। तो ये एनिमेशन बनाना सिखाने के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस चीज़ दिखाऊंगा। तो इस एडमिशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस चीज़ बताऊंगा, तो एंड तक वेट कीजिएगा। सब क्लिक कर देते हैं डिफॉल्ट क्यूब को, शिफ्ट ए, मैश, यूवी स्फीयर, स्केल करके से अंदर कर दें, कंट्रोल में चल जाते हैं। फिर शिफ्ट ए आइकोस्फीयर, और उसकी जो सब डिविजन है वो 2 पे ही रहने दीजिएगा। फिर टैब दबा के एडिट मोड में चल जाते हैं, और स्पेस दबा के सर्च ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी स्पेस से नहीं ऑप्शन आती तो एडिट प्रेफरेंसेस और जो इनपुट्स है, इनपुट कह रहा हूँ मैं, की मैप है, इसमें जाके आप ढूंढ लीजिएगा आपकी सर्च ऑप्शन कहाँ से आती होती है। तो मेरे इसमें तो सर्च करके आप इनपुट करेंगे EDGE edge स्पेस SPL स्पिट, इंटर करें। ठीक है, अब इससे ये हो गया कि ये सारी जो एजेस हैं, फेसेस हैं, ये अब अलग अलग हो गए हैं। अब टैप जाके सॉलिड मोड वापस चल जाते होते हैं, ऐड मॉडिफायर करते हैं और स्मूथ मॉडिफायर करते हैं। देखिए अभी सारे इस तरह हो गए हैं। स्मूथ मॉडिफायर ऐड करने के बाद हम लोग एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे, वो होगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर, और उसकी स्ट्रेंथ हम लोग इतनी इंक्रीज कर देते हैं। और अब सबसे आखिर में शिफ्ट ए, एक और यूवी स्फीयर हम लोग ऐड करते हैं, उसे स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और फिर टैब जाके स्पेस बार के एज स्प्लिट फिर सेंटर कर दें, इसकी बेस स्प्लिट कर दें, और इसके ऊपर भी हम लोग स्मूथ मॉडिफायर ऐड करेंगे। और लेकिन इस बार हम लोग इसका फैक्टर जो है वो थोड़ा ये इंक्रीज करके थोड़ा छोटा कर देंगे, 1.4 तक कर देते हैं। इसे भी शेड स्मूथ कर दें, जो आइकोस्फीयर से सेलेक्ट करके भी शेड स्मूथ कर दें, और जो मेन स्फीयर है उसको तो अभी करने की जरूरत नहीं है। जो जो लाइट है उसे डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए मैश, शिफ्ट ए लाइट, पॉइंट पॉइंट टू चल जाते हैं, और लाइट की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। इसकी पावर जो है वो 3000 कर देते हैं। लाइट का कलर ये ऑरेंजिश टाइप सा कर देते होते हैं, और इसका जो रेडियस है ये हमने इतना इंक्रीज करना है, ये अभी के लिए हम लोग इतना कर देते हैं, बाद में शायद हमें चेंज करना पड़ जाए। तो अब हम लोग बाकी मटेरियल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्फीयर का मटेरियल है, वो हम लोग एक इमिशन मटेरियल देंगे। इसके लिए पहले आपको ब्लूम और एम्बिएंट इक्लूजन ऑन कर लें, इधर सेटिंग सीन सेटिंग्स में जाके, और जो मटेरियल है उसके अंदर हम लोग इमिशन से रखेंगे। इसकी स्ट्रेंथ 3 कर दें, और कलर तकरीबन ये इस तरह का ब्लू जो है वो रख लेते हैं। अब ब्लेंडर भी हम लोग जाके देखते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो बाहर वाला स्फीयर है, छोटे छोटे बॉक्स है, इसके लिए भी हम लोग वही मटेरियल यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग इस बटन को क्लिक करते हैं कि हम लोग इसको क्लिक करें, अब एक नया मटेरियल बन गया है उसी मटेरियल की बेस प्रॉपर्टीज लेके। तो इसके हम लोग स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, 5 रखते रहते हैं, और जो वर्ल्ड सेटिंग्स हैं उनको जाके कम्प्लीटली ब्लैक कर दें। और अब रह जाता है आइकोस्फीयर जो अंदर है, तो आइकोस्फीयर के लिए भी हम लोग एक न्यू मटेरियल बनाएंगे। प्रिंसिपल PSEF ही रहेगा, लेकिन ये जो मेटालिक है इसे फुल कर दें सेटिंग। स्पेक्यूलर रफनेस है उसे 0 कर दें, और क्लियर कोट को फुल कर दें, एंट्रोस्पॉकी को फुल कर दें, शीन को फुल कर दें, शीन टिंट को भी फुल कर दें, और क्लियर कोट रफनेस को 0 कर दें, और आई क्यू आर जो है वो 1.33 कर दें। इससे मेरे से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना तो बेहतर है। तो अब सारे मटेरियल रेडी हो गए हैं, और जो लाइट है महल से उसे भी हमें थोड़ा सा और एडिट करना पड़ेगा, इसका रेडियस और इंक्रीज करते हैं। हाँ, ये इतना मेल से काफ़ी है ताकि वो सारे सी सारे जो ये ट्राइंगल्स हैं इनको एलिमिनेट वो कर सके। तो अब इसके बाद हम लोग इसे एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने का तरीका ये है कि हम लोग की फ्रेम यूज़ करेंगे, सॉलिड मोड में वापस आ जाते हैं। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले जो आइकोस्फीयर को हम लोग एनिमेट करेंगे, ठीक है, फ्रेम इसे यहाँ पर 0 पे ले जाएं, 0 पे लेके जाना जरूरी है। और फिर इसकी जो ऑब्जेक्ट डेटा है उसमें आ जाते हैं, रोटेशन के ऊपर आई क्लिक करें, ठीक, एक की फ्रेम ऐड हो गया। फिर हम लोग फ्रेम 250 के ऊपर जाते हैं। अब ये एनिमेशन लूप एनिमेशन बन जाएगी, मतलब परफेक्टली लूप करेगा हर बार। तो हम लोग जेड एक्सिस के ऊपर 360 कर देते हैं, और फिर आई बताते हैं 0 के ऊपर रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो एक फ्रेम को स्किप करें ताकि प्रॉपर पूरा 360 डिग्री वहाँ पे रोटेट करके पूरा आए। और फिर उसके बाद हम लोग जो ये बार वाला स्फीयर है इसे क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर भी इसे वापस फ्रेम 1 0 के ऊपर ले जाते हैं, उसकी रोटेशन के ऊपर आई क्लिक कर दें, फिर फ्रेम 250 के ऊपर आ जाए, और इसके ऊपर -360 करें क्योंकि एनिमेशन में हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे गए थे। फिर इधर भी आई क्लिक कर दें,
और अब हम लोग से प्ले करते हैं, रेंडर व्यू में भी देख लें, और देखिएगा कि बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लगेगा कि रुका ही नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट लूप की तरफ प्ले होता जाएगा। तो अब जो मैं कह रहा था आपको कि मैं एक आपको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाऊंगा ज़्यादा सूरती के लिए, तो वो ये है कि हम लोग शिफ्ट ए एक और लाइट लाइट ऐड कर देते हैं, पॉइंट GZ ऊपर ले जाते हैं, इसका कलर भी उसी तरह ही ऑरेंजिस टाइप सा कर देते हैं, और स्ट्रेंथ की 1000 कर देते हैं, शिफ्ट डी GZ नीचे ले आते हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा फ्लेयर जो है वो ऐड हो रहा है, लेकिन जो नीचे वाला लाइट है मुझे समझ नहीं आ रही गायब की हो गई है हमसे। GZ वो ये है, ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेयर ऐड हो रहा है, अगर आप ये बाकी साइड्स के ऊपर भी ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पहली चीज़ तो ये होगी, अब दूसरी चीज़ जो मैं ज़्यादा खूबसूरती ऐड करने के लिए आपको बताना चाह रहा था वो ये था, जो बार वाला स्फीयर है इसे सेलेक्ट करें, मॉडिफायर में चले जाएँ, ऐड मॉडिफायर, और इसके ऊपर डिस्प्लेस मॉडिफायर हम लोग अप्लाई करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग ये अब टेक्सचर वाले में जाएंगे न्यू, और इसके ऊपर अगर आप क्लाउड्स करेंगे तो इस तरह 2D शार्ड्स टाइप सा इफेक्ट आएगा, अगर आप इसे वर्नाई करेंगे तो लक्स भी इफेक्ट आएगा, वुड करेंगे तो उसका और ज़्यादा 2D शार्ड्स ज़्यादा बढ़िया आएंगी, मास्क रेफ पे लग आएगा, रेंडर व्यू में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैजिक पे लग आएगा, डिस्टोर्टेड नॉइस के ऊपर लगा रहा है, इस तरह के अलग से इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा अलग किस्म की खूबसूरती आ रही है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही काफ़ी था, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अब दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।